हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो के तहत हम बात करने वाले जो भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं भारत पे से, बहुत आगे कभी कमेंट आते हैं कि भारत पे से ट्रांजेक्शन करेगी या नहीं करें, तो सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बहुत लोग ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भारत पे से ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या इसके फायदे क्या है, ठीक है, या नुकसान क्या है, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सटीक जानकारी, छोटा सा वीडियो में सटीक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि भारत पे से जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जो भी भारत पे से ट्रांजेक्शन करते हैं इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बताऊँ पार्टिकुलर सारा कुछ डिटेल इस वीडियो के तहत जानकारी दे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है। तो वीडियो करेंगे शुरू, बट उससे पहले प्यारा भरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल पर, अगर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाएंगे ताकि जैसे और न्यू अपडेट मैं लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँ सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ। देखिए भारत से ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो भारत पे से ट्रांजेक्शन जितना करेंगे जितना आपके लिए बेनिफिट होगा। नुकसान की बात करें तो नुकसान सिर्फ इसमें यही है, जिसमें जैसे कि आपने किसी से पेमेंट लिया, ठीक है, पेमेंट लिया तो आपके अकाउंट में पैसा कल होकर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी समय आ जाएगा, कल होकर आपको पैसा आएगा। तो मान लीजिए कल होकर पैसा आएगा लेकिन आपके अकाउंट में ही आएगा, बस छोटा सा यही नुकसान है, अदरवाइज कोई भी नुकसान नहीं। किसी भी माध्यम से सेफ्ट आप लेते हैं, पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, किसी के माध्यम से भारत पे से पैसा आप ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर दिया जा रहा है किस माध्यम से जो कि पैसा भेजा रहा है, जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है आप देख रहे हैं। जैसे बहुत लोग फोन पे से पैसा करते हैं, मैं अक्सर इसी से पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि इसके माध्यम से जैसे कि आप एक्सेप्ट करते थे। फायदे की बात मैं आपको बता देता हूँ, भारत पे एक अच्छी लेवल की कंपनी है, ठीक है, और भारत पे से जितना ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन वगैरह देकर भारत पे में आपका सिविल स्कोर, जो कि भारत पे आपका सिविल स्कोर भी अपडेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत पे से आपको लोन, जो कि प्रॉपर 7 लाख तक की लोन आप घर बैठे बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से, आपका दुकान हो या नहीं हो, फिर भी आप ले सकते हैं। बट ट्रांजेक्शन आप करते करते जितना भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उतना आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि भारत पे से अच्छा खासा रिलेशन बना कर रखे और भारत पे से लोन आसानी से मिल जाए, इसके लिए प्रॉपर यह फॉलो आपको करना होगा। भारत पे का ट्रांजेक्शन आपको यूज करना, यानी क्यूआर कोड आपको ऑर्डर कर लेना है, ठीक है। क्यूआर कोड अगर नहीं ऑर्डर करते, जैसे आप अकाउंट बनाएंगे तो क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना, बड़ी आसानी से भारत पे से ट्रांजेक्शन आप करेंगे। जितना ट्रांजेक्शन करेंगे, जो कि मैं आपको बता दूँ, भारत पे से जब भी आपको लोन अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको कॉल भी आएगा कि भारत पे से आप ट्रांजेक्शन नहीं करते, इसके लिए आपको लोन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर आप लोन के लिए रिक्वायरमेंट या किसी भी अदर फैसिलिटी आपको चाहिए, दोस्तों मैं बता दूँ भारत में पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए, यानी भारत पे से ट्रांजेक्शन कीजिए। भारत पे वन वे, यानी कि दोस्तों मैं बता दूँ भारत पे ऐसा कंपनी है जो कि सिर्फ लेन यूपीआई से काम करता है। बट क्या करती है कंपनी, यूपीआई काम करेगी लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट लेगी, सिर्फ देने की काम नहीं करेगी। जैसे कि मान लीजिए आप फोनपे वगैरह में बैलेंस आपको कोई भी चेक कर सकते हैं, यानी कि पिन मालूम हो तो, ठीक है। इनकेस मैं आपको बता दूँ भारत पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई फोन भी ले लिया, ठीक है, उसको शो करेगा कि इसमें ट्रांजेक्शन इतना सारा कुछ किया गया लेकिन वह पैसा पैसा भेज नहीं सकते, या इसमें नियम है। तो आपको दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं, भारत पे से ट्रांजेक्शन आप करेंगे, कल होकर उसका आपका पैसा सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। भारत में बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप इससे पैसा ले रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप पैसा किसी दूसरे पर्सन से लेते होंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कमी इतना ही है कि जो भी सेटलमेंट पैसा होता है कल होकर होता है, यानी कल सुबह 6 बजे आपको, एनी टाइम 6 बजे आपको 100% 6 बजे सुबह में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भारत पे से आपको पेमेंट एक्सेप्ट लेना है और लोन आपको लेने की जरूरत है तो, ठीक है, लोन आप बड़ी आसानी से घर बैठे 7 लाख तक ले सकते हैं। कैसे क्या सारा कुछ लोन लेना है मैं पार्टिकुलर और सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, मैं पार्टिकुलर और भी कुछ जानकारी आपको देता ही रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो के तहत इतना ही, अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं लेकर रहूँगा। तब तक के लिए आप हमें दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरा फास्ट, और वीडियो में इसी तरह लास्ट तक आपको बने रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू।